वेलकम टू सिमरन मलिक चैनल लेट्स ट्रिप देसी। आज मैं हूँ यहाँ पे आया हुआ अकेला हूँ गोवा में। अभी वो है नहीं, अभी वो फ्लाइट में है, वो शाम तक पहुँचेगी। तो फिलहाल अब मैं ही बना रहा हूँ वीडियो। अभी हम खड़े हैं उत्तरायण बीच पे, तो अब आपको दिखाता हूँ उत्तरायण बीच पर कैसा है और कब आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो लेट्स गो। ये अच्छा बीच फिलहाल ये उत्तरायण बीच। हम अकेले घूम रहा हूँ, अभी तक तो कोई आया नहीं है। इंतजार कर रहा हूँ सबका, कितना खाली है, कोई भी नहीं है अभी इस टाइम पे यहाँ पे। बस ऐसे टाइम पे बीच का मज़ा आता, नहीं तो कोई मज़ा नहीं है। सोचता ड्रोन ही ले आता, बट ड्रोन लाया नहीं, अब मैं भूल गया। मेरे को लगा भीड़ ना हो, आता नहीं है ना उड़ाना। वैसे इस टाइम पर कल आऊँगा, प्रैक्टिस करूँगा उड़ाने की। इतना सुंदर नज़ारा है, जब तक लोग नहीं आते तब तक तो है। ये है उत्तरायण बीच और मैं देखता हूँ कि ब्रेकफास्ट करने के लिए ढूंढता हूँ। यहीं पे है वो रोमियो लेन, तो नीचे से एंट्री नहीं है, ऊपर से आना पड़ता है उसके लिए। और इन ड्रोन शॉट जरूर डालूंगा मैं इसमें, अभी तो नहीं है, कल शूट करूंगा सुबह आके। और इसी वीडियो में ऐड करूँगा ड्रोन शॉट्स यहाँ के, क्योंकि ये अच्छा एक तो साफ सुथरा भी लग रहा है और खाली भी है, तो यहाँ पर ईजिली शूट भी हो सकता है ड्रोन का। एक चीज़ अच्छी है इंडिया के बीचेस में, यहाँ लाइफ गार्ड्स होते हैं भी नहीं है फिलहाल, बट टाइम आने पे, लोग आने पे लाइफ गार्ड होंगे। कहीं भी ऐसे इंडिया से बाहर जाओ, जैसे बाली गए, दुबई गए, सिंगापुर, एक भी लाइफ गार्ड नहीं दिखेगा आपको वहाँ। सब वहाँ पे साफ साफ लिखा होता है कि आप अपनी हिम्मत है तो जाएं, तो बचाने के लिए नहीं है यहाँ पे। तो लाइफ का फैसिलिटीज़ तो वहाँ पर है ही नहीं। मॉलडीव में क्या हुआ था कि वहाँ गए थे तो हमें बोर्ड लगा हुआ था कि लाइफ गार्ड सर्विसेज $100। बताओ अगर आप डूब रहे हो तो आपको $100 देने पड़ेंगे, तभी बचाने आएगा। तो इंडिया में सही है, जगह 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 थोड़े थोड़े घूम के देखो। ये देखिए ऐसे लाइफ गार्ड के वो लगाए हुए हैं इन्होंने स्टॉल टाइप। यहाँ पे है लाइफ गार्ड, देखो अभी भी है, वहाँ से वॉच कर रहा है किसी को जो तो या कोई गलत है, कोई आगे जा रहा है तो रोक देगा या कुछ भी। मुझे लगा मैं ही हूँ अकेला जो सुबह सुबह आ गया यहाँ पे, बट ऐसी बात नहीं है, अब काफ़ी लोग दिखाई देने लग गए हैं। लोग नहाते हुए दिखेंगे आपको, कहाँ तक देखते हैं। मेरे पास बैग है और मैं अकेला हूँ, तो मैं आगे तो नहीं जा पाऊँगा, थोड़ा सा तो जाऊँगा। अभी हम बैठे उत्तरायण बीच पे ही और ब्रेकफास्ट यहीं पे मैंने ऑर्डर किया है। ये है चिकन स्टेक विथ राइस एंड सैलड। ये हमारा नज़ारा है, अभी अभी समुंदर में नहा के आया हूँ, मज़ा आ गया। बस अब ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर खरीदेंगे बियर की पेटी। अभी सब आ रहे हैं, फ्रिज में लगाएंगे और पार्टी करेंगे शुरू। अभी तक तो एक दिन पूरा गुजार लिया मैंने अकेला, 4 बजे के आसपास सब पहुंच जाएंगे। अब बियर लेने जाऊंगा, बताता हूँ बियर का प्राइस यहाँ पे है कितना। तो बियर की पेटी लूँगा, ब्रेकफास्ट करके फिर घूमने जाएंगे, फ्रिज में लगाएंगे, फिर आगे देखते हैं कैसा प्रोग्राम बनता है आज का। चलो मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। ये कर लिया ब्रेकफास्ट ख़त्म, इतने ज़बरदस्त सुंदर व्यू के साथ। अब चलते हैं बियर लेने, बाकियों के आने की तैयारी करते हैं। और ये है अंजुना रिवर,
खा रहे हैं फिश थाली। अभी तक तो वो आए नहीं, इनके वेट करते करते मैं लंच टाइम हो गए। वो हम खा रहे हैं फिश थाली, इसमें है फिश राइस रसम कोकम सॉरी ग्रेवी है सैलेड है अरे क्या क्या है। ये पेटी ली है बडवाइजर पॉइंट की 1540 रुपये की, बड़ी है। चलते हैं कुछ ठंडी करते हैं। हमारी स्कूटी पर रखी है, अभी गाड़ी आ रही है, गाड़ी में घूमेंगे। अब 1540 रुपये की पड़ी है ये पेटी, दिल्ली से तो काफ़ी सस्ती है। बहुत गर्मी है यहाँ पे, पानी की तरह बियर पीते हैं। चलो उसको ठंडी करने के लिए लगाते हैं। हम तो ले लिए बियर सबके लिए, 1540 रुपये की पड़ी है, 24 पॉइंट्स है। अभी साहब अपने आप लगा लो। तो ये पेटी में स्कूटी में डाल के लाया हूँ, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। और ये हमारा रूम है, इसमें पूरी पार्टी के लिए पूरा फुल इंतज़ाम है। बार टेबल लगाई हुई है, बार स्टूल्स हैं। और अब इसको ठंडी करने लगाएंगे। बाकी लोग भी आ रहे हैं, उन्होंने थार ले लिया, तो थार में घूमेंगे। अब स्कूटी नहीं चलाऊँगा मैं थार चलाऊँगा। तो बस अब इस ब्लॉग का एंड करते हैं और बियर उड़ाते हैं ठंडी करने के लिए। लोग एक लोग करते हैं इंतज़ार। बाकी अगर आपको मेरा पहला ब्लॉग अच्छा लगा हो तो जरूर मुझे कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेट्स विद देसी, बाय।